जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आप जरूर इससे जुड़िए और जरूर इसको अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को छांट करके रखा है, जो कि आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है तो उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट। ठीक है ना, उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? तो ये खेल है बिलियर्ड्स। ठीक है ना। अच्छा, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या है? बेसबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये आपका कि इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, इसका मुख्यालय क्या है? लियोन्स पेरिस में, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मार्टिना हिंगिस ये कौन है? ये एक क्या है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन दिखाया गया यानी कि कब चलाया गया था? तो ये है 1959 में सबसे पहले टेलीविजन को दिखाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का उल्लेख यानी शताब्दी जो नाम दिया गया किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। ठीक है ना, शताब्दी कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला फ्रेंड्स आपके सामने है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली सेमी बुलेट ट्रेन यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मई 2016 में चलाई गई थी, उसका क्या नाम है? गतिमान एक्सप्रेस। क्या है? गतिमान एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि एक मात्र भारतीय महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी, उनका क्या नाम है? डॉक्टर सुशीला नायर। कौन है? डॉक्टर सुशीला नायर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर। कौन है? ई एम फोस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको लगभग लगभग बहुत ही एग्जामों में देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो वो क्या है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मलयालम राजभाषा कहाँ का है? केरल राज्य का। मलयालम कहाँ बोला जाता है? तो केरल में बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरे अंपायर यानी थर्ड अंपायर, ठीक है ना, निम्न के प्रथम शिकार बल्लेबाज हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि थर्ड अंपायर नियम जो है हमारा, उसके प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुए थे? तो सचिन तेंदुलकर जी हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था? किसने कहा था? वर्ड्स वर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वर्ड्स वर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर है? यानी अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अरुंधति राय है। अगला क्वेश्चन है, जूल्स रीमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल में ये दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। किस खेल में? फुटबॉल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रैक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं? तो किसमें किए हैं? पत्रकारिता में किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चलचित्र यानी कि सिनेमा से है। किस क्षेत्र से है? सिनेमा से है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है आपका कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया जाता है, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी ICAR के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोनिका सेलेस एक खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खेल से, किस खेल से है, टेनिस खेल से। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखिए, अंतिम तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोनिका सेलेस का संबंध किससे है, तो ये क्या है, टेनिस खेलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि थेन आनमन स्क्वायर ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, चीन में, कहाँ स्थित है, चीन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका कौन सी है, तो उसका क्या नाम है, विभूति, क्या नाम है, विभूति। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुवा किस देश की राजधानी है, यानी सुवा, तो ये क्या है, फिजी देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी है, फिजी देश की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ठीक है ना, कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है जगमोहन, इस पुस्तक के लेखक है जगमोहन। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें आदिवासी सर्वाधिक अधिक हैं, तो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, 1948 में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि सफेद हाथियों की भूमि, तो सफेद हाथियों की भूमि आपको पता होगा कि थाईलैंड है, जहां पे सफेद हाथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि वान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वान किस नदी के, स्प्री नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि संसार में शक्कर का कटोरा किस देश को बोला गया है, तो किसे बोला गया है, क्यूबा को बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी है, 10, यानी कि ठीक है ना, कितनी संख्या है, 10 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इरावदी नदी जो है किस देश में स्थित है, तो ये क्या है, म्यांमार में स्थित है, क्या है, म्यांमार में स्थित है। ये पिछला अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें ही इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था, यानी इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पेन में कैंडीज का संबंध किससे किया जाता है, तो कार्क के उद्योग से, किससे, कार्क के उद्योग से। अगला क्वेश्चन है कि इग्लू क्या होता है, इग्लू जो होता है ये एस्किमो लोगों का एक गुंबदाकार मकान होता है, जो ठीक है ना, एक गुंबदाकार क्या होता है, मकान होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इग्लू, ठीक है ना, ये एक तरीके से बर्फ का होता है, किसका होता है, बर्फ का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है कि पाब्लो पिकासो क्या है, ये चित्रकार है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, चित्रकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर झेलम के किनारे बसा हुआ है। तो अगर इसको याद करने का तरीका, अगर आप याद करना चाहते हैं इसको, तो एक आप देखेंगे कि श्रीनगर झेलम के नाम से एक ट्रेन चलती है, दूसरी जम्मू किस नदी के किनारे है, तो आप देखेंगे कि जम्मू तरी एक ट्रेन चलती है, तो उन दोनों तरीकों से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था आराम हराम है, तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि देवदास किताब इसके लेखक कौन है, तो शरद चंद्र जी हैं, इसके लेखक कौन है, शरद चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी NDA महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है, तो खड़कवाल वासला में स्थित है, जो कि कहाँ है, पुणे के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है, द हेग, यानी कि हेग में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि नाम्बिया को आजादी कब मिली थी, नाम्बिया को आजादी कब मिली थी, 1990 में आजादी मिली थी, कब मिली थी, 1990 में आजादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है,
तो किसे कहा जाता है, कोलकाता को। किसे कहा जाता है, कोलकाता को। अगली क्वेश्चन ये है कि वे पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, मतलब जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता पहले प्राप्त हुई थी, यानी सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। उनका नाम है जुन्को तेवेई। क्या नाम है, जुन्को। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि तलवंडी किससे संबंधित है। तलवंडी जो है वो गुरु नानक देव जी से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सिख धर्म के क्या है, संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड कोस्ट किसका पुराना नाम है। तो गोल्ड कोस्ट पुराना नाम किसका है, घाना का। किसका नाम है, घाना का। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा की मुद्रा क्या है। क्यूबा की मुद्रा क्या है, पेसो। क्या है नाम है उसका, पेसो है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये क्या है, गोल्फ से संबंधित, यानी गोल्फ में इस शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल लिविस का किस खेल से संबंधित है। तो वो क्या है, एक एथलीट है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपका क्या है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषाहार योजना कब लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1995 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी यानी INSA, ये किस देश की समाचार एजेंसी है। तो ये क्या है, USA की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म यानी विश्व में सबसे अधिक जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म क्या है, ईसाई है। यानी कि सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक ईसाई है। अगला क्वेश्चन है हेड्स एंड टेल्स इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है, मेनका गांधी। कौन है, मेनका गांधी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। तो वाटर मैन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत द्वारा एनसेट यानी INSAT सेकेंड डी कब छोड़ा गया था, यानी कि 1997 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 1997 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा। तो कब उतरा था, 1969 को, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में यानी आज के दिन 2:35 पर भारत द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी याद रखिए। अगला है कि चंद्रयान 2 पिछले अगर इसके पहले की हम बात करें चंद्रयान 2, तो जो चंद्रयान 2 आपका है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इसको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ICC के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे। तो जगमोहन डालमिया, ठीक है फ्रेंड्स। कौन है, जगमोहन डालमिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था, 1961 में आरंभ किया था। कब आरंभ किया गया था, 1961 में आरंभ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो किसने कहा था, अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचियो वो अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे। तो किसके कारण, पेरेस्ट्रोइका के कारण लोकप्रिय हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है। तो ये है कटक में, कहाँ स्थित है, कटक में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न, भारत के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको मिला है। तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर CV रमन, यानी कि भारत के
एक ऐसी मात्र व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न दोनों प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी कि मिसाइल मैन, किसकी बात हो रही है, मिसाइल मैन किनको कहा जाता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसे कहा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है गुलीवर ट्रेवल्स, गुलीवर ट्रेवल्स ये किसकी पुस्तक है, जोनाथन स्विफ्ट की, किसकी है, जोनाथन स्विफ्ट की। अगला क्वेश्चन है डेविड कॉपरफील्ड इसके लेखक कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस हैं, क्या है, चार्ल्स डिकेंस हैं। ये सब लेखकों के नाम एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया था, तो किसने, सत्यजीत रॉय ने, किसने किया था, सत्यजीत रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था, तो श्रीकांत पात्र का सृजन किया था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, किसने किया था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे छोटे देश जिसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी, जो कहाँ है, यूरोप में स्थित है, कहाँ है, यूरोप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर नासिक शहर उपस्थित है, तो नासिक किसके, गोदावरी, किसके, गोदावरी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी, तो केरल की राजधानी चाहे तो त्रिवेंद्रम कहिए चाहे तिरुवनंतपुरम कहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय चलचित्र में विशिष्ट जो सेवा करता है यानी कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन वर्क किया हो यानी कार्य किया हो किसके, सिनेमा के क्षेत्र में, उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है आपके सामने कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी किस प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि भरतनाट्यम मूलतः क्या है, ये तमिलनाडु का क्या है, एक नृत्य है, तमिलनाडु का क्या है, एक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 19 जून 1999 को हुआ था, कब हुआ था, 19 जून 1999 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो वो क्या है, एक धावक है, कौन, क्या है, एक धावक है। ठीक है फ्रेंड्स, जीव मिल्खा सिंह क्या है, एक धावक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो किसे दिया था, विवियन रिचर्ड्स ने इनको दिया गया था, किसके द्वारा, एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी, कबड्डी में कबड्डी के एक टीम में यानी कि एक तरफ जो खेलते हैं लोग उसमें कितने खिलाड़ी, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का स्पेलिंग आप लिख करके उसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया था, वर्नाडो वर्टोलुक्सी, ठीक है ना, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को सिडनी ओलंपिक में किस खेल में पदक मिला, किस में मिला था, भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन यानी भार उठाने वाले में। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो इस समय भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है, कौन है, ममता बनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा क्या है, मार्क, यानी वर्तमान में इसको यूरो कहा जाता है, ये जो मार्क है इसको वर्तमान में मतलब एक तरीके से इसमें यूरो हो गया है। ठीक है फ्रेंड, पहले मार्क चलता था। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन है, रूस है, यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने देश का यान किसने भेजा था, तो रूस सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला देश है। अगला है सिंटोइज्म एक धर्म है, सिंटोइज्म एक धर्म है, ये कहाँ का धर्म है यानी किस देश का धर्म है, तो कहाँ का है, जापान का धर्म है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों में, भाइयों में, सबको शेयर कीजिए तथा
अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, कहीं भी अगर त्रुटि होगी तो जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइए आपने वीडियो देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।